हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं टेक की 486183। क्या है ये कुछ तो है और कुछ खास है, तभी मैं शो की ओपनिंग इससे कर रही हूँ। क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ वो ट्रिक्स जिसकी वजह से आप इस वीडियो पर आए हैं थंबनेल देखकर। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आज जिन 5 फीचर्स के बारे में, वो है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बजाय सीधे अगर कोई आपको फॉलो करने लगे तो। इसके बाद बताऊंगी आपको कि कोई अगर आपकी प्रोफाइल चोरी छिपे ताकत झांकी करके देख रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी ट्रिक जो बार बार पोस्ट करके आपको इरिटेट करते रहते हैं, उनसे आप छुटकारा कैसे पाएं। और इसके अलावा मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो होगी सीक्रेट चैट की प्रोसेसिंग, आपकी मर्जी से ये चैट हो जाएंगे गायब। और आखिरी सीक्रेट फीचर क्या होगा, वो होगा आपके पोस्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाना, जो कि आप इसके मालिक होंगे, आप लगा सकते हैं अपनी पोस्ट पर रेस्ट्रिक्शन कि इसे कौन देखे और कौन नहीं देखे। और ये मैं पब्लिक प्राइवेट की बात नहीं कर रही हूँ, इसमें आप स्पेसिफिकली किसी एक शख्स या किसी 10-15 ऐसे शख्स को जिसे अपनी पोस्ट साझा नहीं करना चाहते, वो आप चुन सकते हैं अपनी मर्जी से। चलिए शुरू कर लें। फेसबुक, कभी कभी लगता है कि इसका नाम फेसबुक ना होकर फ्रेंड्सबुक होना चाहिए। फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जाते हैं, क्या हो अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा ही ना जाए और रिक्वेस्ट की बजाय सीधे फॉलो करने का ऑप्शन मिल जाए तो इससे क्या होगा, आपके तो फ्रेंड्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे लेकिन वो आपके फॉलोअर्स में शो होने लगेंगे। तो 1 बिलियन की आबादी फेसबुक पर दिन बिताती है, अपना वक्त बिताती है, अगर उसमें से कुछ आपको मिल रहा है तो आपके फॉलोअर्स की लिस्ट कितनी बढ़ जाएगी, अंदाजा है क्या। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आप इस फीचर को एनेबल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये बात क्या है, ये बात है फेसबुक फैक्ट। क्या है ये फेसबुक फैक्ट, तो फेसबुक अगर कोई देश होता तो पता है आपको ये कितना बड़ा देश होता, ये इतना बड़ा देश होता कि दुनिया में इसकी रैंकिंग 5th पोजीशन पर आती। चलिए ये तो फैक्ट की बात हो गई, अब फीचर इनेबल कर लेते हैं। तो ये फीचर मैं लैपटॉप पे नहीं, मैं मोबाइल पे इनेबल करती हूँ। मोबाइल पे मैं आपको इनेबल करके बता दूँ, सबसे पहले फेसबुक लॉगिन कर लें। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको ये 3 डैश पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए। स्क्रॉल डाउन करके आपको आना है सेटिंग्स पर, सेटिंग्स क्लिक करेंगे, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको आ जाना है प्रिवेसी सेटिंग्स पर। प्रिवेसी सेटिंग्स जैसे ही आप ऑन करेंगे यहाँ आपको कई सारे सेगमेंट्स मिलेंगे जहाँ पर आप पब्लिक फ्रेंड्स पिक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट्स को आपको पब्लिक कर देना है। एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपको पब्लिक नहीं करना, आपको लिमिट करना है पोस्ट। और ये कौन सा सेगमेंट है, ये है कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन भेज सकते हैं। तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आपने एवरीवन सिलेक्ट कर रखा है उसे आप लिमिट कीजिए फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पर। इसे सिलेक्ट करने के बाद अब आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद वापस आपको ये 3 डैश पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद फिर स्क्रॉल डाउन करके वापस नीचे आ जाइए। अब आपको क्लिक करना है पब्लिक पोस्ट के ऊपर। पब्लिक पोस्ट में जब आप क्लिक करेंगे इसमें सारी कैटेगरीज को आप पब्लिक पे सेट कर दीजिए। बस आपका काम हो गया। अब आप वापस आएं, अपनी प्रोफाइल ओपन करें और यहाँ पर जब आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, एडिट प्रोफाइल के बगल में ये 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करें, व्यू एज करें। अब देखिए यहाँ से ऐड फ्रेंड का ऑप्शन हटकर प्लस फॉलो का ऑप्शन हो गया है। अब आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जाने की बजाय लोग फॉलो किया करेंगे। तो हो गए फीचर अनेबल, अब अगले फीचर की बारी। दरअसल ये फीचर नहीं है, है क्या चीज़ ये, तो ये आपकी प्रोफाइल को कई बार ऐसा होता है कि लोग चोरी छिपे आकर विजिट कर लेते हैं, आपको पता नहीं चलता। जब तब ताका झाकी कर लेते हैं, आपको पता नहीं चलता। मैं बताऊंगी आपको एक ऐसी ट्रिक जिससे आप पता कर सकते हैं उन लोगों के बारे में कि कौन आकर आपकी प्रोफाइल में ताका झाकी करता है। तो करना क्या है आपको, चलिए बताती हूँ। लेकिन उससे पहले एक और फैक्ट जान लीजिए। ये फैक्ट क्या है, ये फैक्ट है कि फेसबुक के अकाउंट्स जो बनते हैं फेक अकाउंट्स, सबसे ज़्यादा फेक अकाउंट्स अपनी इंडिया में बनते हैं, ये रिकॉर्ड है। चलिए आपको मैं बताती हूँ कैसे आप इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेब वर्जन पे आना होगा।
अकाउंट ओपन कर लीजिए अपने फेसबुक का। होम पेज पर आ जाइए, माउस से आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू पेज सोर्स का। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह के इंटरफेस के साथ खुलकर सामने आएगा। अब आपको कंट्रोल F प्रेस करना है, F फॉर फेसबुक। जैसे ही आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे एक सर्च बार खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर आपको लिखना है बडी अंडरस्कोर ID। जैसे ही आप लिखेंगे बडी ID एंटर करेंगे, आपको उन तमाम लोगों की IDs खुलकर दिख जाएंगी जो आपकी प्रोफाइल पर आते जाते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये ID कॉपी कर लेनी है। कोई भी एक रैंडम ID आप कॉपी कर लीजिए, रिसेंट से ID आप कॉपी कर लीजिए। नए टैब पर आपको लिखना है facebook.com/ उस ID को पेस्ट कर दीजिए। ये रही वो प्रोफाइल और ये रहा वो शख्स जो आपके प्रोफाइल पर कर रहा था ताका झांकी। एक और अगर आप ID चेक करना चाहते हैं फिर आप कोई भी रैंडम ID पिक कीजिए, नए टैब पर जाकर facebook.com/ ये ID पेस्ट कर दीजिए और नया शख्स आपको मिल जाएगा जो आपकी प्रोफाइल पर विजिट करके गया है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई आपका सीक्रेट क्रश है वो आपकी प्रोफाइल विजिट करता है या नहीं, या आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग आ रहे हैं आपकी प्रोफाइल पर विजिट करने को। तो सीख गए, पता चल गया आपको, कैसे पता चलेगा आपको ताका झांकी करने वालों के बारे में। चलिए अब मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। ये क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक शख्स से परेशान होते हैं, या ये दो तीन शख्स भी हो सकते हैं, बार 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 लगातार पोस्ट डालते रहते हैं और आपको नोटिफिकेशन चलिए आपने ऑफ कर भी दिया, फिर भी ये इनकी आपको अपडेट तो मिलती रहती है, अपडेट मिलती रहती है आपके वॉल पे। सबसे ज़्यादा 1, 2, 3, 4, 5 की कतार में देखेंगे कि उन्हीं के पोस्ट आ रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या उपाय है पता है? चलिए मैं बताती हूँ ऐसे लोगों का क्या उपाय है, लेकिन उससे पहले आपको जानना नहीं अगला फैक्ट। अगला फैक्ट मैं आपको बोल कर नहीं बताऊँगी, ये आप अभी जब ट्रिक सीख रहे होंगे उसी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। ये है एक नाम, ये नाम किसका है, ये नाम उस शख्स का है जिसने सबसे पहले फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया था। है ना इंटरेस्टिंग। चलिए तो ये बार बार पोस्ट डालकर इरिटेट करने वाले एलिमेंट्स को आप कैसे शांत रख सकते हैं, उसकी प्रोफाइल या उसके जो लास्ट पोस्ट है उसके 3 डॉट्स को आप क्लिक करेंगे और आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा उन्हें शांत करने का। कैसे, ये रहा, स्नूज कर दीजिए आप उन्हें 30 डेज के लिए, आप चाहें तो उन्हें स्नूज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आप उनके पोस्ट टेम्प्रेरीली नहीं देख पाएंगे। वो एक दिन में 10 डालें 50 डालें कितने भी पोस्ट डालें, आप तक एक भी पोस्ट नहीं आएगी, आपको उनके पोस्ट का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन स्क्रीन पर आप कुछ और ज़रूर देख रहे होंगे इस वक्त, और ये क्या चीज़ है, ये नाम है उस शख्स का जिसका फेसबुक अकाउंट सबसे पहले बना था। कौन है ये शख्स, इनका नाम है अल पचिनो। तो हो गए ऐसे इरिटेटिंग जीव जंतु खामोश। खामोशी से जुड़ा एक और फीचर है, ये फीचर कहाँ काम करता है, ये फेसबुक मैसेंजर पर काम करता है। क्या है ये फीचर, ये है सीक्रेट मैसेजिंग। सीक्रेट काहे की मैसेजिंग होती है, देखिए ये आप जब किसी के साथ सीक्रेट चैट कर रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिसअपीयर हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे व्हाट्सएप ने अभी फीचर लॉन्च किया है। फेसबुक में ये फीचर कैसे फंक्शन करता है चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले ओपन करना है मैसेंजर, तो हम मैसेंजर ओपन कर लें। चलिए सीक्रेट चैट फीचर के बारे में जानने से पहले आपको बता देती हूँ 486183 का मतलब क्या है। दरअसल 486183 लोग हर मिनट मोबाइल में फेसबुक चलाते हैं, ये आंकड़ा है। चलिए अब फीचर पर आ जाते हैं। फीचर के लिए आपको क्या करना है, आपको मैसेंजर ओपन करना है। मैसेंजर ओपन करेंगे फिर जिनके साथ आपको चैट करनी है आप उनके वॉल को ओपन कर लीजिए। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और गो टू सीक्रेट कॉन्वर्सेशन पर क्लिक करना है। ये देखिए ताला बन रखा है यहाँ, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप वॉल ओपन करेंगे आपको ऊपर आई बटन दिख रहा है कोने में, इसे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद मैसेज टाइपिंग बार पर आप देखेंगे एक छोटी सी घड़ी बन रखी है, इस घड़ी पर क्लिक करेंगे तो आप टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 5 सेकेंड से लेकर 24 घंटों तक का होता है, ये वो वक्त है जितनी देर आप चाहते हैं कि सामने वाले की वॉल पर आपका मैसेज दिखाई दे। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया अगर 10 सेकेंड्स, देखिए 10 सेकेंड सेलेक्ट करने के बाद जब मैं मैसेज टाइप करूंगी
ये डिसअपीयरिंग मैसेज मैं टाइप कर रही हूँ, मैंने लिख दिया हेलो और मैंने इसे कर दिया सेंड। सेंड करने के साथ साथ आप देखेंगे कि एक टाइमर शुरू हो जाता है, ये काउंटडाउन है उन सेकंड्स का जो मैंने सिलेक्ट किया है, 10 सेकंड के बाद ये मैसेज हो जाएगा पूरी तरह से वैनिश। ये देखिए, तो सीक्रेट चैट इनेबल हो गया। कैसे करना है आप अब समझ चुके हैं। एक और सीक्रेट सी बात बताऊं आपको, ये सीक्रेट सी बात ये है कि आप कभी भी मार्क जुकरबर्ग को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे फेसबुक पर, तो आपको मिल जाएगा एक एरर का मैसेज, यानी कि आप मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक पर कभी भी ब्लॉक नहीं कर सकते। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले फीचर की बात करते हैं। क्या है ये अगला फीचर? हाँ, तो ये अगला और आखिरी फीचर कौन सा है जो आपको पता चलने वाला है आज की लिस्ट के अनुसार? ये है रेस्ट्रिक्शन। किन पे लगेगा ये रेस्ट्रिक्शन? ये उन पे लगेगा जिन्हें आप पसंद नहीं करते। आप कोई पर्टिकुलर पोस्ट डाल रहे हो, जैसे आपने कहीं पार्टी शार्टी की हो और आपने वो पोस्ट डाली, आप नहीं चाहते कि आपके ताया मामा फूफा चाचा को पता चले, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे बस ये जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। लेकिन क्या उसके पहले आप एक फैक्ट और नहीं जानना चाहेंगे? क्या है ये फैक्ट पता है आपको? मार्क जुकरबर्ग सैलरी कितनी लेते हैं अपनी कंपनी में? $1 हर महीने के। चले आते हैं ट्रिक पर। व्यूज रेस्ट्रिक्शंस के लिए क्या करना है आपको? ज्यादा कुछ नहीं, पहले आप एक पोस्ट बना लें। आपने कुछ भी लिख दिया है, इसके बाद जब आप इसे पोस्ट करते हैं, इसके पहले आप चेक कर लें कि आप इसे पब्लिक रखना चाहते हैं या सिर्फ आपके फ्रेंड्स देखेंगे। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें आप ये नहीं दिखाना चाहते। तो आपको फ्रेंड्स एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। तो आपने जिसे सिलेक्ट कर लिया, बस वो आपके इस पोस्ट को नहीं देख पाएगा। ये नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, आप चाहे तो एक फ्रेंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, 10, 12, 15 ऐसे लोगों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये लोग आपकी पोस्ट नहीं देख पाएंगे, पर्टिकुलर पोस्ट जो आप रेस्ट्रिक्ट कर चुके हैं उनके लिए। तो इतने सारे हैक्स और इतने सारे फैक्ट्स आपने जान लिए, और भी बहुत कुछ मैं बताती रहूंगी। आपको करना क्या है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर मुझे देख रहे हैं बस उससे वहां से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं नोटिफिकेशन भेजूं फौरन लौट के आइए, क्योंकि आपके लिए उस वक्त रहेगी बहुत ही मजेदार और कभी कभार तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खूब सारा ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।